दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में ठहरे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज संसद भवन जाएंगे। सीएम साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात प्रस्तावित है। कल रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और सीएम और जेपी नड्डा के बीच कई सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो जोधपुर हाउस में ठहरे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आज संसद भवन जाने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात प्रस्तावित है। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी और इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो आज अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम की मुलाकात प्रस्तावित है। कल रात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली दौरे पर और जोधपुर हाउस में ठहरे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। माफ कीजिएगा, कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी और आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात प्रस्तावित है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई, क्या कुछ बातचीत हुई होगी और आज भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात प्रस्तावित है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय दिल्ली में मौजूद है, जोधपुर हाउस में है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली है उससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ही उत्साहित हैं और लगातार वाहवाही भी हो रही है उनकी दिल्ली में, जो बीजेपी के बड़े शीर्ष नेता हैं, क्योंकि 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया सफलतापूर्वक, इसको लेकर चर्चा चल रही है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए कल दिल्ली में मौजूद थे। सुबह वो अपने सभी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट किए बीकानेर हाउस में और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की। आने वाले समय में किस तरह से प्रदेश की विकास गति को और रफ्तार देना है, दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे, भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद मौजूद रहे। उसके बाद देखिए कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर शाम को मुलाकात होती है। बहुत गर्मजोशी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। उसके बाद आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके बाद और भी मंत्रियों से उन्होंने टाइम लिया है, जो समय आने पर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सुबह का समय है। और देखिए अभी से जो है यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जोधपुर हाउस में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात में ही विश्राम किए हैं और आज केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके आगे क्या कुछ और विकास करना है, क्या कुछ और नीति है केंद्र की, जिनको जन कल्याणकारी नीतियां हैं जिनको लागू करना है, कैसे आगे चलना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी, और देखिए प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से एक्टिव रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, क्या प्रदेश के विकास से जुड़ा, क्योंकि अब राइजिंग राजस्थान प्रदेश में होने जा रहा है, कुछ ही समय अब शेष बचा है, तो ऐसे में उसे लेकर भी चर्चा होगी तमाम दिग्गजों से? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे देश विदेश में जगह जगह दौरा उन्होंने किया, रोड शो किया राइजिंग राजस्थान को लेकर के, और भारी निवेश आ रहा है। तो दिसंबर महीने में यह कार्यक्रम होना है तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको तो उन्होंने निमंत्रण दिया ही है। आने वाले समय में और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या कुछ इसमें और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम से पहले ही ऐलान कर दिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर हमारा फोकस है और भारी संख्या में निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया है, तमाम साइन भी हुए हैं लाखों करोड़ों के। तो अब जो है इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं और इसमें केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सारी जानकारी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग अग्र राजस्थान, विकसित राजस्थान कैसे करना है, कैसे युवाओं को रोजगार दिलाना है, जो प्राकृतिक संपदा है
चाहे वो पवन ऊर्जा की बात कीजिए, सौर ऊर्जा की बात कीजिए, फूड प्रोसेसिंग की बात कीजिए, टेक्सटाइल की बात कीजिए, चाहे राजस्थान का जो पर्यटन है, राजस्थान पर्यटन के लिए दुनिया में जाना जाता है, और या राजस्थान में जो कहा जा सकता है कि जो प्राकृतिक संपदा है इसको कैसे उपयोग में लाया जाए, क्योंकि राजस्थान के जो पत्थर है सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के तमाम देशों में वहाँ की चमक बढ़ा रहे हैं, तो इनको कैसे मार्केट में लाना, इन तमाम चीजों को लेकर भारी संख्या में निवेशकों को निमंत्रण भी दिया गया है। तो इसको सफल बनाने के लिए लगातार रोड मैप तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और माना जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान की सफलता के साथ ही राजस्थान से बेरोजगारी भी दूर होगी। तो मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है, और आज केंद्रीय गृह मंत्री भी साथ मुलाकात करते हैं, तो क्या कुछ कहते हैं ये दिखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए साथ, आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई दोनों की मुलाकात की, कई सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। तो ये वो मुलाकात की तस्वीर है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की सीएम भजनलाल शर्मा ने, इस दौरान कई सारे मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई।